ये तो हम सब जानते हैं कि all things are made up of matter, जैसे ये गाड़ी, ये book, और even my hands. We see these things as a whole, लेकिन असल में ये बने हुए हैं from much smaller basic units. इन smaller units को हम atom कह सकते हैं. By definition, an atom is the smallest particle of an element that can take part in a chemical reaction. हमारे periodic table के तमाम elements atom से ही बने हुए हैं. अगर हम एक रेगुलर एटम का स्ट्रक्चर देखें तो हम देखते हैं कि उसमें एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, और फिर उसी एटम के एक्सटर्नल शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड हैं. टुगेदर ऑल ऑफ दीज पार्टिकल्स मेक अप द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. एटम्स को अक्सर कंफ्यूज किया जाता है एक और टर्म के साथ, व्हिच इज मॉलिक्यूल्स. सो व्हाट आर मॉलिक्यूल्स? बेसिकली एक या उससे ज्यादा एटम्स को मिलाने से एक मॉलिक्यूल बनता है. मॉलिक्यूल्स कैन बी मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक और ट्राईएटॉमिक based on the number of atoms within it. अगर same atoms मिलके एक molecule बनाएं तो वो element कहलाता है, जबकि different atoms के मिलने से जो molecule बनता है वो एक compound कहलाता है. For example, oxygen एक element है जो दो oxygen atoms को combine करने से बनता है, whereas water एक compound है जो कि दो hydrogen और एक oxygen atom को combine करने से बनता है. So by definition, a molecule is the smallest particle of a pure substance that can exist independently. तो क्या ऐसे भी कोई पार्टिकल्स हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते? यस, एंड यू जस्ट लर्नड अबाउट देम. सो दोज आर एटम्स. एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि उनको एग्जिस्ट करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर या शेयर करना पड़ता है. यही वजह है कि ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल की सूरत में दो एटम्स के साथ एग्जिस्ट करता है, ना कि अपने इंडिविजुअल एटम के तौर पर. तो आई होप कि अब आप एटम्स और मॉलिक्यूल्स में डिफरेंशिएट कर पाएंगे. और अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन बाकी है तो PGC के ऑनलाइन पोर्टल पर लेक्चर को विजिट करना मत भूलें.